oh

और उसके मुदाफ़ात में ही जो ना नौ नौ गज लंबी जो ना कब्रें हैं और ये जो कब्रस्तान है ये काफ़ी ज़्यादा जो ना पुराना है और कदीम है और इसके अंदर जो ना बहुत ही लंबी लंबी कब्रें भी मौजूद हैं उनके मतलब लोगों का कहना है कि जी ना वो सहबा कराम आली मरदवान की कब्रें हैं तो आइए हम जो ना चलते हैं जी उन कब्रों की तरफ़ और आपको जो ना उन कब्रों की इजारत भी कराते हैं और आपको दिखाते हैं और आप जो ना उन कब्रों की इजारत भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा कि इन कब्रों के मतलब आपकी क्या राय है तो चले आए नाजरीन चलते हैं जी उन क़बरों की ज्यादात की तरफ तो प्यारे दोस्तों यह मुलाजा फरमा सकते हैं कि अलहमदिल्ला ये जो ना कितनी बड़ी जो ना नबरें हैं और इनके मतलक जो यहाँ के रहने वाले हैं और जो यहाँ पर ज्यारत करने के लिए आते हैं उनका कहना है जी ये साहबा कराम अली मुरदवान की जो नबरें हैं और इसके साथ ही एक जो न यह कब्र है ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी आप जो है मुलाज़ा फ़रमा सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि इन जो ना दोनों क़बरों का जो साइज़ है ये गैर ग़ैरमूली तौर पर जो ना काफ़ी ज़्यादा जो ना बड़ा है और आपको जो ना इस क़ब्रस्तान के अंदर जो दिगर क़बरें हैं वो भी दिखाते हैं ताकि आप जो ना खुद इमेजन कर सकें कि इन कबरों में और उन क़बरों के जो ना साइज़ में कितना फ़र्क है तो नाजरन महत्म ये आप देख सकते हैं कि इस जो ना कब्रस्तान के अंदर दीगर कब्रें भी मौजूद हैं जो कि मौजूदा ज़माने के, के अंदर लोगों की कब्रें हैं ये आप देख सकते हैं इनका जो ना कद और इनकी कबरों का साइज़ भी आप मुलाजा फरमा सकते हैं और जो पीछे हम जो है ना आपको कब्रें दिखाई थी उनका साइज़ भी ना आप मुलाजा कर सकते हैं और ख़ुद ही जो ना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इनकी ख़बरों के साइज़ में और जो पीछे हमने आपको जो है ना दो खबरें दिखाई हैं उनके साइज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंस है और नाजरिन मोहतरम यहाँ की जो ना नब्रस्तान के इंतज़ाम में और इसकी जो ना सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो बहुत ही बेहतरीन किया गया है ये मेरे पीछे आपको जो ना वो वादम भी दिखाई दे सकते हैं जो कि ना झाड़ू लगा रहे हैं और इनकी जो ना यहाँ पर क्याम गाह भी है तो ये यहीं पर रहते हैं जो कब्रस्तान का जो ना इंतज़ाम वगैरह है और निज़ाम वगैरह है वो ये संभालते हैं और यहाँ की जो ना ये सफाई भी करते हैं ये आपको जो ना पीछे मेरा कूड़ा जलते हुए भी दिखाई दे रहा है तो ये झाड़ू लगा रहे हैं और जो जो कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा होगा उनको उनका जो है ना ये जला रहे हैं तो आइए चलते हैं जिन हम आपको इस जो ना न की क्या दिखाते हैं तो नाजरन मोहतरम आप जो ना मुलाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने जो ना पुराने दरख्त हैं और ये वाकई तौर पर जो ना पाकिस्तान का पूरी सरार जो ना कब्रस्तान है और काफ़ी जो ना ज़्यादा कदीम है और यह आप देख सकते हैं ये जो कब्रस्तान के अंदर जो ना खादम रहते हैं जो कि यहाँ की सफ़ाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं उनकी जो ना ये क्याम गए ये उनका जो ना छोटा सा कमरा है इसके अंदर वो रहते हैं और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ना आपको पानी की सबील भी दिखाई दे रही है तो यहाँ पर जो ना बाकायदा पानी का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर टूटियाँ भी लगी हुई हैं और बैठने के लिए जगह भी बनी हुई ताकि यहाँ पर जो ना लोग आएँ वो वजू वगैरह कर सकें और जो ना बावज़ू होकर कब्रिस्तान में हाजिरी दे सकें साहब इकराम आली मदवान की कब्रों पर हाजिर हो सकें और अपने जो उनके यहाँ पर अजीज दफन है उनकी कब्रों पर जो ना वो बावज़ो होकर जो ना हाज़िरी दे सकें और नाजरन मोहतरम इस जो ना कब्रिस्तान के अंदर ये आप देख सकते हैं कि एक ये भी जो ना किसी बुज़ुर्ग का मजार शरीफ है इसकी इमारत जो है आप देख कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ना कितना जो ना कदीम क़ब्रस्तान है और ये न, कितना पुराना है ये आप देख सकते हैं और इस कब्रस्तान में ये छोटी सी मस्जिद भी तामीर की गई है ताकि जो कोई शख्स यहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहे तो वह बवज़ू होकर जो ना वो नमाज़ भी अदा कर सकें और फातिहा खानी भी की जा सके और दोस्तों पीछे हमने ना आपको दो क़ब्रों की ज्यादात करवाई थी सामक कराम अली मरदवान की और इस कब्रस्तानी की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर जो ना तीन सहाबा कराम अली रजान की कब्रें दो पीछे थी जिनकी जो ना आपको जैरत कराई है और एक जो ना ये मेरे पीछे है ये आप देख सकते हैं कि ये भी साहब रसूल रदी अल्लाह की कब्र मुबारक है ये आप देख सकते हैं और इस कबर का भी जो है साइज़ आप मनाज़ा कर सकते हैं कि यह न कितनी बड़ी क़ब्र मुबारक है यह आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं जी और यहाँ पर जो है ना तख्ती लगी हुई है इस पर ये लिखा भी हुआ है कि साबि रसूल वसल्लम आप जो है मुलाजा भी कर सकते हैं और ये हैं जी इस कब्रस्तान के मनाजर यहाँ आप देख सकते हैं कबरों को भी मुलाज़ा कर सकते हैं और इस कब्रस्तान के अंदर जो है ना दरख्त वगैरह हैं उनको भी आप मुलाजा कर सकते हैं और इस चीज़ का जो ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ना कितना ज़्यादा पुराना गांव है और कितना ज़्यादा जो ना ये पुराना कब्रस्तान है जिस गांव के अंदर ये कब्रस्तान वाक है ये आप देख सकते हैं जी ये किसी चीज़ की यहाँ पर जो ना सुरंग भी मौजूद है एक ये है जी और एक वो आपको सामने दिखाई दे रही है और एक ये भी सुरंग है ये आप देख सकते हैं और नाजरीन मोहतरम मेरे पीछे जो है ना आपको दरबार शरीफ दिखाई दे रहा है यह जी पीर मीर शाह रही का मज़ार शरीफ और इसके अंदर जो है ना हम चलते हैं और आपको जो है इस मज़ार का भी विजिट कराते हैं तो नाजर मोहरम यहाँ पर जो है ना पीर मिरन शाह राहत त मज़ार शरीफ भी है और साहबा कराम अलगान के कबरें भी हैं तो यहाँ पर जो है न लोग आते हैं जी हाजिरी देते हैं मिजार शरीफ पर भी और साहबा कराम अलगान की खबरों पर भी और जिनके यहाँ पर अजीज वकार बदफून है वो अपने अजीज वारों की जो है नबरों पर भी हाज़िरी देते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं जी दुआएँ भी करते हैं मन्तें भी मांगते हैं और उनकी जो है मुरादें जो है न वो पूरी भी होती हैं और प्यारे दोस्तों ये मेरे पीछे जो है ना इस कब्रस्तान के साथ जो गाँव हैं उनके आज भी आप मुलाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के ये बने हुए हैं और काफ़ी जो है ये पुराने हैं और इनकी जो बनावट है वो ही आप जो ना देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो ना बहुत ही ज़्यादा जो ना क़दीम गांव है और ये जो कब्रस्तान है वो भी बहुत ज़्यादा ना पुराना है तो नाजरीन मोहतरम आज के जो ना इस व्लॉग के अंदर इतना ही कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो ना ब्लॉग आपको किस तरह का लगा और मज़दी इस तरह की जो ना हिस्टोरिकल प्लेस और मुकदस मकामा की इजाद करने के लिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो ना सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो ना शेयर भी करें तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए खुदा हाफ